उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज क्षेत्र के स्थानीय पापू उपराध इंटर कॉलेज के प्रांगण में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 148 जोड़ा वर वधु का विवाह संपन्न हुआ। वैवाहिक समारोह कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि 96 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल प्रकाश ने कहा कि विवाह जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, यह सुखमय जीवन का प्रवेश है। पत्नी पति गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं। उन्होंने विवाह को विकास का आधार बताया। एसटीएससी आयोग के उपाध्यक्ष मणिराम कोल ने कहा कि विवाह मानव जीवन का कल्याणकारी प्रक्रिया है, इसके बिना जीवन अधूरा है। वर वधु भविष्य की योजनाओं को आकर प्रदान करेंगे। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह समारोह योजना से गरीबों मजदूरों को सुखमय जीवन में प्रवेश करने का शुभ अवसर है। मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि यह सामूहिक विवाह गरीबों के लिए सरकार का अभिनव कार्यक्रम है। उन्होंने नव दंपत्ति के वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामना दिया। इस कार्यक्रम में लालगंज हलिया व 96 विकास खंड के विभिन्न गाँव से आए गरीब कन्याएं के वैवाहिक जीवन में सुख में शुभ अवसर प्रदान हुआ। मंचासीन अतिथि के रूप में लालगंज ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र उर्फ महेंद्र गिरी व मंगल गिरी, डीसी मनरेगा मोहम्मद नफीस, विनोद श्रीवास्तव, गिरीश दुबे परियोजना निदेशक, ऋषि मुनि उपाध्याय, रामलोचन बिंद, लालमणि पांडे, संजय मौर्य सहित ग्राम विकास अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण विभाग के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 148 वर वधु एक दूसरे के वैवाहिक जीवन के जोड़े में बंधे हैं। प्रत्येक जोड़े को शासन द्वारा 35,000 नकद, 10,000 रुपये का सामग्री बतौर कन्यादान प्रदान किया गया और 6,000 वैवाहिक कार्यक्रम में खर्च किया गया। कुल मिलाकर 51,000 की राशि प्रति वैवाहिक जोड़े पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट।